बेरोजगारी की बेमिसाल रिकॉर्ड के लिए पीएम मोदी के जन्म दिवस को छात्र युवा संगठनों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। बता दें कि आयशा और नौजवान सभा के बैनर तले छात्रों ने रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर मशाल जलाकर बेरोजगारी दिवस पर घंटों प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कहा कि अब झूठे जुमले और झूठे भाषणों से काम नहीं चलेगा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा मोदी सरकार पूरा करे। यही नहीं, छात्रों ने कहा कि रोजगार के अभाव में युवा अब आत्महत्या नहीं बल्कि निकम्मी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की दिशा में पहल करेंगे। आज 17 सितंबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आज के दिन हम लोग बेरोजगारी दिवस जिंदा दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने छात्रों और युवाओं को ठगा है, जब वो सत्ता में आई थी तब उनका कहना था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगी, लेकिन अभी जितने भी रिक्त पद है, खाली जगह है, उनको अभी तक वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो अभी तक तो कोई भी ये नहीं हो पाया है। इसके लेकर के आज 17 सितंबर 2020 को जितने भी छात्र युवा संगठन है उन लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का तय किया था, जो आज रांची में सफल हुआ है। रांची ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।